सर जी ने मुझे गरम गरम चाय दिया है। यहाँ पे बात करते करते एक अच्छा कोइंसिडेंस हो गया। पद्माताशी जो मेरा फ्रेंड है ले का, उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला था कि रांगदम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सेरिंग दोरजे से मिलने के लिए। बट बाद में पता चला कि सर जी सेरिंग दोरजे के चाचा है। सर वैसे ये गांव इतना छोटा है कि सब लोग शायद रिश्ते में रहेंगे ना? हाँ, रिश्ते में सब रिश्ते में। अच्छा हमारे दादा दादी से जन्म लेकर हमको 8 जन्म 8 पीढ़ी यही इसी गांव में रहा है। रहते वो बंद होते ना बर्फ बर्फ की वजह से। हाँ 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 4-5-6 फुट तक बर्फ गिरते हैं ना शहर में। अच्छा। इसलिए हमने घास जमा करते हैं ना। हम यहाँ गुजारा करते हैं, गाय भेड़ू बकरी से गुजारा करते हैं। -40 तक पहुंच जाता है। 40 से ज्यादा होते हैं। गोबर में थोड़ा मेथी तेल डालकर जलता है ना, इसी चूल्हे में। अच्छा, गोबर में मिट्टी का तेल डालते हैं। हाँ, मिट्टी तेल थोड़ा डालना पड़ेगा, खुद जल जाता है, दरवाजा बंद है। 6 महीने जब आप अंदर रहते हो तो ये गोबर सब जमा करते हो आप 6 महीने के लिए? जमा करेंगे, जमा करेंगे। मिट्टी तेल गवर्नमेंट राशन के मिलता है 707 रुपये 20 लीटर का। 20 लीटर का। हाँ, और वो कहाँ से लेते हैं आप? वो कारगिल से। उस वो लेने के लिए भी आपको कारगिल जाना पड़ता है? नहीं, यहाँ सीटोर है, गवर्नमेंट के सीटोर है। हाँ। टंगी भी है। अच्छा, वो सीटोर की पर नहीं आते हैं ना कभी कभार, या सीजन में 2 दफा आता है। इस साल के लिए थोड़ा 2-2 जर्किन 3 दिन जर्किन मिलते, फिर देते भी नहीं। उसके लिए कमाई करने के लिए पैसा होना चाहिए। इसी साल तो पैसा भी बंद हो गया ना। यहाँ से ले में कमाई करने के लिए जा रहे, कोई संस्कार में जा रहे, कोई टूरिस्ट के साथ जा रहे ना, वो सब बंद हो गया ना। इसी साल कंपनी में काम करने के लिए सब गया ना। हमारे लड़का 2 था, दोनों वहाँ ही गाड़ी चला रहे, एक ठिका जैसा बना रहे, कमरा बना रहे। वो जलाते रहते हो? जलाते रहते हम, ये कहीं स्लिप करते ना तक गोबर जलते है, फिर सुबह उठा के गोबर वापस जला रहे, बना रहे। खाना भी जहूँ खरीद करके लेता है ना। जहूँ में सत्तू ज्यादा खाते है ना हम लोग, झींगा बोलते है, उबाल की झींगा भी बना के खाते है। इसे कहते है क्या बोलते है, सूप जैसा भी बना के, या पनीर थोड़ा डालकर सब्जी, ये पालक खाते है ना, पालक जैसा ढीढ़ी आते है ना, और थोड़ा मिलकर सूप भी बना के खाते है। खाना हजम करने के लिए अच्छा होता है ना, फिर गर्म में भी होता है ना। इस ठंडे में हमेशा चावल खाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। ये हमें ठंडे के जगह में कोई घी वगैरह कुछ भी रखेंगे तो खराब नहीं होता है 6 महीने के लिए। इसे साल शुरू हो जाएगा तो सुबह जून जुलाई तक तो खराब नहीं होता। अभी ले में अभी कौंसलर जैसा है ना, लोग कहाँ कहाँ देता है, नहीं देते, दिखने के लिए जाए कि करिए से कोई दिखने के लिए आते नहीं, देगा नहीं देगा। इतना पैसा ये रोड बनने के लिए, या कोई राशन वाशन स्टोर करने के लिए, कोई इसे बिजली बिजली करने के लिए, पहले इसी साल बजट आई है ना, पिछले साल और मांगते हैं, फिर हमको थोड़ा थोड़ा नशाना देता है, ज़्यादा नहीं मिलता है ना। अच्छा, बहुत जुल्म है। इसको इंडिया का आदमी आना चाहिए थोड़ा दिखने के लिए, अच्छा अच्छा आदमी किस तरह से देता है, किस तरह से आता है, किस तरह से मिलता है, वो मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं हो यानी क्या करेंगे, यहाँ से इसे झूठ बोला के वहाँ से पैसा मांगता है, इधर से वहाँ खाते, यहाँ नहीं देता है ना। रोड पे इसी साल कोई सफाई भी नहीं करते, या कहीं खटा हुआ उसको भी मिट्टी भी नहीं बारा ना, बहुत मुसीबत है ना।
ये नहीं है तो कहाँ खराब हुआ था काउंसलर का, काउंसलर के साथ कौन कौन जाएगा, और लोग कहाँ नाली खराब है या रोड खराब है वो दिखने रहता है, उसी आदत से हिसाब से बांधते रहते हैं। एक करगिल में कोई बांधने के लिए आदमी नहीं, संस्कार रोड कैसे आप दिखाओ। हाँ, संस्कार रोड अभी बहुत 50 साल हुआ ये संस्कार रोड खुलकर, 50 साल हो गए। हाँ, अभी भी ऐसे ही है। कोई ये डिपार्टमेंटल आता है ना, उन लोगों ने थोड़ा मिट्टी लगा के रोड को मरम्मत करते हैं। अभी 2 साल हुआ मरम्मत कोई करने के लिए आदमी नहीं आया, कोई नहीं आया। 2 साल से ऐसे ही रोड, इसी रोड में जाना। गवर्नमेंट का रूल खराब है ना, क्यों गवर्नमेंट का एक रोड छोटा छोटा बना के फिर सोलिंग डालता है, फिर टरकोल डालते है, फिर वो तोड़ के फेंकता है, फिर वो बनता है। गवर्नमेंट का डबल क्या बोलता है, डबल खर्चा आता है ना, वो अच्छा होते नहीं। I'm not an expert to comment on what's going wrong, but all I see is a 74-year-old man who is still fighting for the basic needs of life. और ये सर ये दुआ बाहर ऊपर फेंकता है क्या? हाँ, वो नाली से वो। सॉरी थोड़ा झुक के बात करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सीलिंग हाइट मेरे सर के नीचे। एनीवेज ट्यूबलेट भी देखो अपने छत पर आ रहा है। सो बेसिकली मुझे आपको ये बताना है कि ये सर जी ने मुझे इतना, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँगा यार, मतलब इनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ पैसे ही नहीं है, बाकी दिल बहुत बड़ा है। एक तो उनको ये भी टेंशन था साइड में कि कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है एंड ऑल दैट, स्टिल मैं रात को आया करके उन्होंने अपने घर पे मुझे जगह दिया और सोने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया और इतना प्यार से उन्होंने सब कुछ किया है ना, मतलब आई कांट टेल यू हाउ ओवरवेल्म्ड आई एम। आप लोगों को देखा था तो मैं पहले दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, ये ऐसा कुछ है, बेड मैट्रेस, उसके ऊपर ये कारपेट। और फिर उन्होंने बोला मुझे सॉरी लाइट के लिए, बिकॉज एक ही बल्ब है यहाँ पे, ये ब्लैंकेट यूज़ करने और उसके ऊपर ये रजाई दिया है। और ये सिंगल बेड देख के ना मुझे अपना थाने का घर का बहुत याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ऐसे ही सोता था, बट ऑफकोर्स इतना कम्फर्टेबली नहीं जहाँ पर रजाई एंड ब्लैंकेट एंड ऑल दैट। एक ब्लैंकेट होता है मेरा बस, मतलब जितने रिमोट विलेजेस में आते हैं ना हम लोग, उतना ह्यूमैनिटी देखने मिलता है हम लोगों को। बट सच्ची में यार वो अंकल ने ना बहुत टच कर दिया मेरे को आज। वैसे तो मुझे उनको गले लगने का मन कर रहा था, बट उनको ना थोड़ा कोविड का टेंशन है तो मुझे उनको और डराना नहीं है। तो ठीक है, बस उतना ही अभी के लिए, मैं सोने जाता हूँ। कल सुबह उठना है कम से कम 6 बजे के आसपास मैं उठूँगा, ताकि मैं रेडी हो जाऊँ और फिर उनके साथ थोड़ा घूमने जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आपको ये ट्रैवल स्टोरी पसंद आ रहा होगा। एंड दैट्स इट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड हैव अ गुड लाइफ, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड पीस। चीयर्स।